दोस्तों, अगर आप भी इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर ढूंढ रहे थे तो आज आप सही जगह पे आ चुके हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप इजीली मार्केट का पता लगा सकते हो, वो भी काफ़ी एक्यूरेसी के साथ में, कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे जाने वाला है। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का स्पीक स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग सीखेंगे कि एक इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में इंडिकेटर हमको किस तरीके से मदद कर सकता है और किस तरीके से हम लोग उसमें अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज हमने बैंक निफ्टी में 500 से भी ज्यादा पॉइंट को कवर किया था, एक बड़ा जैकपॉट हमने लिया था और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, मैंने हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरीके से हमने इस ट्रेड को लिया था और किस तरीके से हमने इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गुड मॉर्निंग का मैसेज मैंने भेजा। गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने 42,700 का पुट बोला था लेने के लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हो 360 पे लिया था और अगर आप इसका हाई चेक करोगे, आज मंगलवार का दिन था, इसका हाई आप चेक करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा, ये हमारा 865 तक चला गया। ठीक है, यानी कि 500 से भी ज़्यादा पॉइंट हमको इसके इस ट्रेड में हमको देखने को मिला था। अगर आप भी इसके अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा होगा, उस लिंक से इसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। दूसरे वाला ट्रेड मैंने ये बोला था कि जब ये इसी लेवल के आसपास में आता है उसके बाद में इसको ब्रेक करके इस तरीके से इसमें थोड़ा सा पुल बैक आएगा और उसके बाद में फिर से नीचे आएगा और ये हमारा टारगेट रहेगा जो कि है 42,900 का। ठीक है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ कि ईजिली मार्केट ने डन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यही बोला है, या आप देख सकते हो ये मैंने बोला हुआ था, नेक्स्ट टारगेट आप देख सकते हो 41,900 का है जो कि यहाँ तक सपोर्ट लेने मार्केट आएगा और इस तरीके से यहाँ पे इजीली इस टारगेट को भी मार्केट ने डन कर दिया। तो अगर आप भी इसके अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक से आप भी इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप प्रॉफिट का यहाँ पे देखोगे तो बहुत बड़ा एल्बम यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ था जो कि हमारे ट्रेड्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हमको देखे गया है मार्केट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, हम लोग जो हमारा टॉपिक है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम जो है उस इंडिकेटर को किस तरीके से लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं उस इंडिकेटर को, और हम उसका यूज़ करके हम अपना ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये मैंने आपके लिए पहले से लगा के रखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं EMA। ये हमारा क्या है, EMA। इसको सिंपली EMA इसलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसका पूरा नाम होता है। ये वाला जो इंडिकेटर वाला सेक्शन है इसमें आप जो है सिंपली जाके इसको सर्च कर सकते हो EMA। ठीक है, मैं आपके लिए सर्च करके भी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो आप जो है इसमें डायरेक्ट सर्च करोगे तो ये वाला जो पहला वाला आपको दिख रहा है इसको ही हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ मैंने। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये जो सिंपल SMA होता है इसका ही ये रूप होता है, थोड़ा सा एडवांस होता है, तो इस केस में इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अब ट्रेड किस तरीके से लेना है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर मैंने ये जो EMA है यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, 2 EMA को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इंडिकेटर वाला सेक्शन है इसमें जाना है, EMA को सिलेक्ट करना है, एक बार करना है, उसके बाद में फिर से एक बार और कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है कि ये वाला जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इसमें आपको जाना है और ये वाला जो इनपुट है इसमें आपको जाके एक को यहाँ पे 50 कर देना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपके लिए जो लेंथ वाला आप देख सकते हो इसमें मैंने 50 का इनपुट इसमें किया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें स्टाइल और चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि कलर मैंने इसका ये किया हुआ है ताकि आप जो कन्फ्यूज़ नहीं हो कि कौन सा 200 है और कौन सा इसमें 50 है। ठीक है, तो 50 का हमारा जो कलर है ये आप देख सकते हो, ये मैंने 50 का कलर रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो लाइन है ये हमारी 50 मूविंग एवरेज की है। उसके बाद में आप जो है यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, डन कर सकते हो। दूसरा वाला जो है ये हमारा 200। ठीक है, अब आपको इसमें आना है, फिर से इनपुट में जाना है और यहाँ पर आपको जो लेंथ है यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 200 कर देना है, बस इतना सा काम करना है। दूसरी जो चीज़ आपको यूज करनी है, ये चाहो तो वॉल्यूम कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई ज़रूरी इसमें नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किस तरीके से लगाना है वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में, वहाँ से आपको दोनों को 2 बार सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मतलब एक ही इंडिकेटर है उसको आपको 2 बार कर लेना है, उसके बाद में आप यहाँ पे आके सेटिंग में दोनों को चेंज कर सकते हो, एक को आपको 50 कर देना है, आप दूसरे वाले को 200 कर देना है, बस इतना होने के बाद में आपका जो है आधा काम हो गया है। अब आपको सिखाता हूँ कि ट्रेड आप किस तरीके से इसमें प्लान कर सकते हो। ट्रेड प्लान करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और हम लोग समझते हैं। देखो, ट्रेड प्लान करने के लिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से आपको इस सेटअप के ऊपर में काम करना है। ठीक है, तो हम लोग जो खाली जगह उसमें चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें मूवमेंट करना है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ और आपको इसके साथ साथ में समझना है। ठीक है, देखो ये हमारा हो गया 200 EMA। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, आपको सारा कुछ समझ में
आने वाला है इस वीडियो के अंदर में, और आप जो है इंट्री लेना आराम से सीख जाओगे। पहले जितना कॉन्सेप्ट में ध्यान दोगे उतना ही ज़्यादा आप जो है उसमें अपना ट्रेड अच्छी तरीके से बना पाओगे। ये हमारा 200 EMA है, और अब आपको ध्यान देना है कि ये जो ये हमारा 50 मूविंग एवरेज, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, ये हमारा 50 मूविंग एवरेज, ठीक है। और अब देखो क्या होता है, अगर ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर में जब ये 50 मूविंग एवरेज, यानी कि ये हमारा 50 मूविंग एवरेज है और ये हमारा 200 EMA, ठीक है, इस तरीके से मार्केट इस तरीके से चलता चलता हुआ जा रहा है। अब होता क्या है कि जब ये 50 मूविंग एवरेज कभी ना कभी तो ऐसा होगा जब ये इसके आसपास में आएगा, ठीक है, यानी कि इससे मिलने आएगा, तो जब ये इससे मिलने आएगा तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ये मिलकर, ठीक है, यानी कि जब इन दोनों को क्रॉस ओवर होगा 50 और 200 का, और ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये 50 मूविंग एवरेज 200 को ऊपर से नीचे की तरफ में ब्रेक करता हुआ नीचे निकल जाता है, ठीक है, यानी ऊपर से आता है और नीचे इससे सीधा नीचे की तरफ निकल जाता है, तो आपको तुरंत वहाँ पे क्या कर लेना है, पुट को बाय कर लेना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे तुरंत पुट में बाय कर सकते हो, और या तो फिर जो है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हो, इंट्राडे में स्टॉक में करते हो, तो वहाँ से आप कोई भी स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते हो। कुछ भी नहीं सोचना, आप जो डायरेक्ट उसके अंदर में एंट्री कर सकते हो, आपने जो भी स्टॉप लॉस बैठता है उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगा के तुरंत उसमें एंट्री कर लेनी है, और एक अच्छा खासा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, टेंशन मतलब पहले आप जो है कॉन्सेप्ट को समझ लो कि किस तरीके से मार्केट काम करेगा। देखो जब मार्केट इस तरीके से होता है कि जब मार्केट 50 ये जो हमारा 50 मूविंग एवरेज, यानी कि 50 मूविंग एवरेज 200 के ऊपर में आता है और ऊपर से होता हुआ ये नीचे की तरफ में चला जाता है, ठीक है, यानी कि ये ऊपर से आता है और नीचे की तरफ में ब्रेक करता हुआ निकल जाता है, तब हमारा ट्रेड बनेगा डाउन साइड का, यानी कि जो हमारा ट्रेंड बनेगा कौन सा बनेगा, डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो आपको समझना क्या है कि जब ये ऊपर से नीचे की तरफ में आता है तो आपको ट्रेड ले लेना है, यहाँ पे जो पुट वाली एंट्री है उसमें आपको बन के बैठ जाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है जब ये 50 मूविंग एवरेज, हो सकता है कि देखो ये दोनों एक दूसरे के चेंज होते रहते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं चलते हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, ये क्या रहेंगे, कभी एक दूसरे के ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा, लेकिन ये ऐसी जगह आएगा जहाँ पे इनका क्रॉस ओवर होगा, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये क्रॉस ओवर हो रहा है इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत जगह ये क्रॉस ओवर आपको होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको जहाँ जहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, जहाँ जहाँ पे आपको क्या करना है, अटेंशन इसको देना है, वहाँ पे आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी की मैं बात करूँ तो 85% से ज़्यादा ये एक्यूरेसी इसकी आपको मार्केट के अंदर में मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो फिर से समझते हैं कि ये हमारा 200 EMA था, जब मार्केट ये हमारा ये क्या है, इसको लिख लेते हैं 200 EMA, ठीक है, ये हमारा 200 EMA है, 20 मैंने लिखा है, आप 200 समझ लेना, ठीक है। ये क्या हुआ, इस तरीके से ऊपर से आता है मार्केट और ये नीचे की तरफ में सीधा ब्रेक करता हुआ निकल जाता है, ठीक है। तो आपको एंट्री यहाँ पे करना है, ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस ओवर, ठीक है। इसी क्रॉस ओवर के ऊपर में आपको जो है डाउन ट्रेंड का, हमारा डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे जो है मार्केट जो है नीचे की तरफ में जाने वाला है। आप कोई भी स्टॉक हो, कोई बैंक निफ्टी निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, वहाँ से आप इसमें पुट में एंट्री कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे देखना, देखते रहना है कि मार्केट में जहाँ जहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है वहाँ वहाँ पे आपको ये एंट्री मिल जाएगी। मार्केट के अंदर एक से दो जगह आपको एक दिन के अंदर में ये एंट्री मिल जाएगी। टारगेट की बात करूँ तो बहुत बड़े बड़े टारगेट इसमें मिलेंगे, 500, 1000, 1000 तक आपको पॉइंट इसके अंदर में टारगेट के रूप में आपको मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कई बार मार्केट साइडवेज होता है तो उतना काम नहीं करे, लेकिन यहाँ पे जब भी आपको मिलेगा तो अच्छा खासा मोमेंट आपको देखे जाएगा। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं हो के, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा के थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो के, ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारा क्या हो गया 200 EMA, ठीक है, ये हमारा 200 EMA है यहाँ पे चल रहा है, और जब ये 200 EMA के 50 मूविंग एवरेज नीचे होता है, ठीक है, यानी कि नीचे से ब्रेक करता है ना, ठीक है, इस तरीके से नीचे से ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे आपको तुरंत यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पे कॉल साइड में पोजीशन बना लेनी है, ठीक है। यानी अगर कोई भी स्टॉक में आप करते हो तो वहाँ पे आपको बाय कर लेना है, बस यहाँ पे क्या करना है, 200 EMA के आसपास में जब भी ये आता है तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलने लगे ना, वहीं तुरंत आपको बाय कर लेना है। अब हम चलते हैं बैक टेस्ट करके देखते हैं कि कितना काम कर रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप जो है कुछ भी ट्रेडिंग करते हो, जिसमें भी आप ट्रेडिंग करते हो, तो वहाँ पे आपको जो मेन सपोर्ट होता है, मार्केट का किंग जो होता है, वो आपको प्राइस एक्शन ही होता है, ठीक है। मैं इंडिकेटर को इतना सपोर्ट नहीं करता हूँ, और आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप जो है सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे आपको नहीं रहना है, ठीक है, आपको प्राइस एक्शन को सीखते रहना है कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अब देखो
मार्केट के अंदर में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखें, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें आप सीखते हो ना, एग्जैक्ट वैसा कभी भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता है, लेकिन वो चीज़ें आपको टाइम के साथ में आती जाएगी, ठीक है। वो थोड़ी सी समझ बनानी पड़ती है कि जो चीज़ें आपको यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है कि जो क्वेश्चन आपको क्लास में बताए जाते हैं एग्जैक्ट वही क्वेश्चन में नहीं आते क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो वही इस बात है इसमें भी। तो ये हमारा क्या था, 50 मूविंग एवरेज, ठीक है। इसने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करके यहाँ पे जो है इस तरीके से ये हम यहाँ पे देख सकते हो, तो नीचे आया, ठीक है। तो नीचे आके फिर से ये यहाँ पे क्या चला गया, ऊपर की तरफ में। तो ये हमारा ट्रेड क्या हो गया, यहाँ पे एक्टिव हो गया। कौन सी साइड का हुआ, ऊपर की साइड में, ठीक है। देखो नीचे कब होता, जब ये नीचे की तरफ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन नीचे आया नहीं है, ठीक है, उसके आसपास में होता है। तो यहाँ पे आपको क्या रहना है, ऊपर की तरफ में ट्रेड प्लान कर लेना है। क्या हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, कि जब भी ये 200 EMA के पास में आता है, और ये हमारा क्या रहा कि नीचे से ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ में निकल गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा सा और दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको इस एग्जांपल से क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बता रहा है कि ये हमारा 200 EMA, ठीक है, ये हमारा 200 EMA है। और जब ये ऊपर था, ठीक है, पहले ये नीचे था, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाता है, ये दोनों मिलते हैं, और उसके बाद में फिर से जो है यहाँ पे ट्रेड हमको नीचे की तरफ में मिल जाता है। यानी कि ये 200 को यहाँ पे आप देखोगे तो ये काट के नीचे की तरफ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लेना है, बस यहाँ पे सिंपली इसमें इंटर करके अपना जो टारगेट है वो नीरेस्ट जो भी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, उसको आप टारगेट मान सकते हो। पीछे का स्विंग है उनको भी टारगेट आप मान सकते हो। तो बड़े बड़े टारगेट इसके अंदर मिलेंगे अगर आप अच्छी तरीके से इसको फॉलो कर लेते हो, अच्छी तरीके से समझ लेते हो। बड़ा कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल और देख सकते हो, जिसके अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो। इसमें क्या हुआ कि 50 मूविंग एवरेज ऊपर से आता है, नीचे की तरफ में यहाँ पे ब्रेक करके निकल जाता है, और यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट इसमें भी मिला हुआ है, ठीक है। बहुत सारे टारगेट आपको बहुत जगह मिलेंगे अगर आप अच्छी तरीके से इसको समझ लेते हो, अच्छी तरीके से लगाना सीख जाते हो। कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा है 50 मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है, 200 EMA को सिलेक्ट करना है, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करके आपको क्या कर लेना है, अलग अलग कलर चाहो तो आप जो है कलर कोडिंग से करके आप जो है इनमें ट्रेड ले सकते हो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब ये 50 मूविंग एवरेज ऊपर होता है 200 के, और जब ये ऊपर से ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, तो हम जो है डाउन साइड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, समझते हैं और कोई जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम लोग क्या करते हैं, इसको देखो, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारा 50 मूविंग एवरेज है, और इसी 50 मूविंग एवरेज में क्या हुआ है कि 200 से नीचे की तरफ में ये ब्रेकर है, ठीक है। क्या बताया था मैंने, इसको इस तरीके से नीचे की तरफ में आएगा, और जब ये इस तरीके से ब्रेक करेगा तो आपको उसी क्रॉस ओवर के ऊपर में एंट्री बना लेना है, बस ये हो गया। इस तरीके से आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो, जिसमें आपको सारा कुछ बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा। क्योंकि आपको जो है इंडिकेटर काफ़ी हद तक मार्केट के अंदर में इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है अगर मार्केट में पकड़ बनानी है, मार्केट के साइकोलॉजी को समझना है, तो आपको प्राइस एक्शन को टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि प्राइस एक्शन ही वो चीज़ होती है जिससे हम लोग जो है मार्केट की साइकोलॉजी का पता लगाते हैं, ट्रेडर क्या करने वाले हैं उसका पता लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आप एडवांस वाला प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो तो आप जो है नीचे जाके मैसेज कर सकते हो, आपको स्क्रीन के ऊपर में नंबर भी दिख रहे होंगे, वहाँ से आप जो है लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको सारा कुछ बताया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से आप उसमें एंट्री लेते हो, क्या होते हैं कॉल पुट, सारा कुछ आपको A to Z बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो वो चाहो तो वो भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर जो भी आपके मन में डाउट है वो भी आप जो है कमेंट में लिख सकते हो कि ये चीज़ मेरे को अभी तक भी समझ में नहीं आई है, ठीक है। और जब भी ये आपको मिलेगा तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा मोमेंट देके जाएगा। तो चलिए किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।